श्री कृष्ण जी मिल गए। कहने लगे यार सोच रहे हैं श्री कृष्ण जी इधर सपने में भी लोगों के आने लगे, तो कहने लगे कि अवतार लेना चाहता हूँ। तो हमने कहा अवतार में लो प्रभु दिक्कत होगी, तो जो मैंने दिक्कत उनको बताई वो दिक्कत अगर आपको लोगों लगे कि हमने मतलब सही चीज़ उनको बताई है तो एक बार समर्थन करिएगा आप लोग। हमने कहा कि आना ना कन्हैया दोबारा इस देश में तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, तो कदम की ठंडी छाँव भूल जाओगे कान्हा गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा, और चाकू सा रखा है यहाँ घूमती है गोपियाँ, चाकू सा रखा है यहाँ घूमती है गोपियाँ, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा और गली गली मुरली बजाना न कान्हा अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। वाह वाह भैया वाह वाह दादा वाह। बहुत बहुत पूछते रहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत लोग पूछते रहते हैं कि पुलिस में भर्ती आई है, उसमें भर्ती होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या योग्यता चाहिए। संदीप शुक्ला जी भी आए हैं, स्वागत है छोटे भाई का, अचलगंज प्रभारी निरीक्षक। तो उसने क्या योग्यता होनी चाहिए, तो जो मैंने योग्यता बताई अगर आप लोगों को लगे कि हाँ सही चीज़ मैंने बताई है तो समर्थन जैसे कर रहे हैं इसी तरह करिएगा। मैंने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए, 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए, और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग कि आँख से भी काजल चुराना आना चाहिए, और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए, और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर हो तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। बढ़िया है भैया वाह, तो भी कार पलटाना आना चाहिए। हमने कहा कि हाथ हथियार न लेते तो और क्या करते, हाथ हथियार